जो सामने। हेलो बच्चों, आज मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ। शायद ये बड़ा वीडियो हो सकता है क्योंकि बंगाली कल्चरल एसोसिएशन में सेक्रेटरी भी बंगाली कल्चरल एसोसिएशन में अभी दुर्गा पूजा का महोत्सव चल रहा है, वो आपको मैं दिखाने वाला आज वहाँ मैं जाने वाला हूँ। वहाँ का क्या क्या कार्यक्रम होते हैं वो भी दिखाई देंगे। मैं अभी जो का एक बस जा रही है, मैं इधर इसलिए उधर से एक बस आ रही है, इधर से ये बस उधर से है, ये बस इधर से आ रही है। ये 23 नंबर की बस है, एक उधर गई एक इधर आई, एक खार कोपर जाने वाली बस है। अभी मैं मेरी बिल्डिंग में भी दिखाता हूँ, यहाँ से ही मैंने स्टार्ट इसलिए किया है कि ये जो रास्ता है, मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ उस बिल्डिंग से जो ऊपर जाने वाला रास्ता है वो बंगाली कल्चरल एसोसिएशन को जाता है। मैं वहाँ तक आके आपको दिखाऊँगा। ये जो रास्ता जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ मैं सीधा रास्ता है, थोड़ा सा चढ़ मतलब ये थोड़ा सा स्लोप है, तो स्लोप करके ऊपर गया तो बंगाली कल्चरल एसोसिएशन। ये मैंने एक बार बंगाली एसोसिएशन में मैं पहुंच गया तो मैं शायद आपको नहीं दिखाई दूंगा, पूरा शूटिंग वो प्रोग्राम का ही हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा अपने आप को दिखा रहा हूँ। अब देखते हैं आगे जाके। अब मैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तभी आपको दिखाई दे रहा है, ये E2 बिल्डिंग हमारी गिरकुन सोसाइटी का बोर्ड दिखाई दे रहा है और बंगाली कल्चरल एसोसिएशन की तरफ जाने वाला रास्ता दिखाई दे रहा है। देखो बच्चों, आज भी नीला नीला आसमान, सफ़ेद सफ़ेद बादल, वाह क्या है। हमारी गिरकुन सोसाइटी, अभी मैं बंगाली कल्चरल एसोसिएशन की तरफ बढ़ रहा हूँ। लोग आ रहे हैं, रिक्शा में बैठकर आ रहे, कार में बैठकर आ रहे, लेकिन आज दूसरा दिन है। आज आपको ये E2 बिल्डिंग है हमारी सोसाइटी में, मैं बोला ना E1 E2 और G टाइप के 60 डुप्लेक्स बंगलो यानी रो हाउसेस ऐसा एक है। ये अभी ये आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये मंदिर जो दिखाई दे रहा है वो काली माता मंदिर है, और ये जो पेंडॉल जैसा नया कलर वगैरह दिया है ये जो दिखाई दे रहा है ये बंगाली कल्चरल एसोसिएशन है। एसोसिएशन के पास तो मैं पहुँच गया, अभी देखते हैं परमिशन लेके अगला शूटिंग किया जाएगा। परमिशन ग्रांटेड ऐसा अगर बोलेंगे सेक्रेटरी साहब यानी इस ट्रस्ट से, हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी प्रणव पुरकास्त इधर ट्रस्टी है, देखते हैं अंदर जाके मिलता है क्या परमिशन। उधर से तो मैं अभी अंदर जाऊंगा। ये बंगाली कल्चरल एसोसिएशन लिखा है, ये अंदर मैं अभी अंदर प्रवेश करता हूँ। ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये ऐसा है। ये कल भी मैं आया था इधर, ओके मैं फिर से शुरू कर दिया। ये जो है इधर मंदिर है काली माता का, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी खुला है नहीं, खोलना पड़ेगा, ये ऐसा मंदिर है। और ये सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट करके खोलना पड़ेगा अभी। प्रणव साहब आए ना ऊपर, प्रणव साहब आया ना, होगा शायद ऊपर होगा, देखता हूँ जाने दीजिए।
थोड़ा देर के लिए पूजा रुक गई है ऐसा लगता है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। अभी कितना उत्साह से ये पूजा, दुर्गा माता का पूजा हो रहा है, कुछ तो हो रहा है ऐसा लगता है मुझे कि नैवेद्य अर्पण हो रहा है ऐसा लगता है मुझे कि कितने लोग आए, कि बहुत सारे लोग बंगाली कम्युनिटी यहाँ पर है, उन्होंने ये कल्चरल एसोसिएशन स्थापित किया है। एक बात, हाँ ये देखिए कुछ तो प्रोग्राम कर चल रहा था, वो जो पुजारी जी जो दिखाई दे रहे हैं वो चक्रवर्ती, उनका नाम है तपस चक्रवर्ती, वो यहाँ के पुजारी है इस मंदिर के। सब लोग उठ के खड़े हो गए, प्रणब साहब कुछ बता रहे बंगाली भाषा में, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या बोले अभी प्रणब साहब? अभी पुष्पांजलि होने वाला है। हाँ हाँ, तो एक पहला फर्स्ट बैच का होगा। हाँ हाँ, मुझे बहुत सारा गैदरिंग है तो अभी मैं उनके सोसाइटी में रहता हूँ। बिल्कुल क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है और सरनेम? हाँ हाँ, राव। ओके, जय काली माता, बोलो जय दुर्गा माता। ओके, तपस चक्रवर्ती जो यहाँ के आचार्य है यानी पुजारी है, वो कुछ तो बंगाली भाषा में बोल रहे हैं। नमो विष्णु, नमो विष्णु, नमो विष्णु यानी नमो अपवित्र पवित्र वा
नीचे आ गया देखते भक्तों लोग अभी तक तो अर्चना चल रही है, तपस चक्रवर्ती कुछ बता रहे लोगों को, वैसा लोग क्या बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ तो बता रहे हैं।
भाई साहब कुछ बता रहे सब ऊपर आ रहे। सर आपका नाम क्या है? सर नेम क्या है? सामंत। एक भाई साहब ऊपर गए, उनका नाम पूछा, कुछ कमल सामंत ऐसा कुछ नाम बताए। देखते हुए जो सर बंगाली लोग बैठे हैं, अभी ये मंदिर खोलने का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि बंद शूटिंग करना अच्छा नहीं लगता। अभी देखते हैं कौन खोलता है। ये मंदिर खोल के वो शूटिंग बनाना है मुझे, अभी बंद है ना, इसलिए रुका हूँ। हाँ बहुत अच्छा है ये मंदिर। अभी मैंने जो किया, एक जो नौजवान बैठा है बंगाली नौजवान, उससे ब्राइट तो मैंने किया है, लेकिन थोड़ा सा कम प्रकाश है ना, इसकी वजह से मैंने जो शूटिंग किया उसमें प्रकाश नहीं है। अभी ये सब लोग मैं करूँ, ऐसा है कुछ लोग बैठे हैं बंगाली भक्त, मैं इधर उन्होंने थोड़ा सा प्रसाद भी रखा है, उसमें से मैं एक ले लिया। अभी तो मैंने एक ले लिया। अभी और भी लोग आ रहे हैं, जो आ रहे हैं और भी लोग आ रहे हैं। मैं तो ये मंदिर खोलने का इंतज़ार कर रहा हूँ, कब खुलता है। ये जो सामने ग्रिल लगाया है वो खोलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ से कर सकते हो कि देखना पड़ेगा, तो अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं। ऊपर जो है वो तारकेश्वर भगवान का शिवलिंग है, वो नीचे ऐसा है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगा मुझे खोल के ऐसा सामने से। वो जो है शिवलिंग, शिवलिंग दिखाई दे रहा है, भगवान गणेश जी भी दिखाई दे रहे, भगवान गणेश जी भी है, काली माता जी है, लेकिन ये ग्रिल अच्छा नहीं लग रहा है। प्रणव साहब आए, मैं उनको ही पूछता हूँ। शूटिंग चल रहा है ऐसे मंदिर, ये छोटी है, ये छोटी दुर्गा अभी मेरे सामने है, ये मंदिर ऐसा है। वो मैडम एक दो मिनट मुझे ये कर, बाद में आप देखो, एक दो मिनट ये ऐसा है मंदिर जो है ऐसा है दादी बिल्कुल। अभी ऊपर जो है वो ऊपर तारकेश्वर भगवान का प्रतिमा है, फोटो, ये ऐसा एक है। ओके हाँ, अरे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइए दर्शन कीजिए। मैं YouTube पे डालने वाला हूँ, आप देख लीजिए। अभी एक बार आइए। अभी मैंने मैडम, अभी मैंने जो किया ना वो इतना अच्छा नहीं है, अभी ब्राइट हो रहा है। ओके थैंक यू। हेलो हेलो, हाँ
हेलो এটা শুরু করব একটু পরে একটু পরে মানে কারণ ধরো উপরে ভোগ শুরু করে এত ভিড় হয়েছে এই দেখে এই দেখে ভিড় ভোগ এই দেখে এই দেখে হ্যাঁ পারফেক্ট আমি ইনফ্লুয়েন্স কানা মানে যাও কে উপরে যাও হ্যাঁ যাই দে প্লিজ মানে ভোজন প্রসাদ ऐसे दिया जाता है कितना अच्छा दिखाई दे रहा है सब लोग ये जो है इधर लाइन में खड़ा रहते और भोजन प्रसाद को कूपन पहले देते बाद में उनको सब दिए जाते अभी ये जो लोग हैं कुछ लोग वहाँ खड़े रह के भोजन प्रसाद ले रहे अभी ऐसा है कुछ लोग खड़े रह के प्रसाद ले रहे हैं सब मैं चाहूँगा आपके कुछ लोग वहाँ पे बैठे ये नज़ारा ये दिखे यहाँ पर बनाना प्रसाद बना बनाते हैं वो दिखाया आपने तो अभी सब भोजन प्रसाद ले रहे हैं कूपन देना कूपन देना पड़ता है मैं भी लूँगा लेकिन पहले वीडियो शूटिंग करता हूँ एक बार मैंने भोजन प्रसाद शुरू किया तो वीडियो शूटिंग बंद हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा ये सब लोग ये दिखे ये देखिए ये हमारी हमारे सोसाइटी की ईटू बिल्डिंग है ईटू बिल्डिंग वो देखिए पहाड़ नीला आकाश सफ़ेद बादल बहुत अच्छा नज़ारा है ये गिरुकुंज का अर्थ मराठी में गिरुकुंज इस शब्द का अर्थ है पहाड़ की बगल में या फिर क्या बोलते हैं उसको पहाड़ के नज़दीक ये भाई साहब अभी मैं प्रसाद लेना शुरू करूंगा इसलिए मैं वीडियो बंद कर देता हूं यहां पे रुकता हूं मैं अभी इस लाइन में जाकर मैं अभी खड़ा हो जाऊंगा और आज को तो यहां तक मैंने पूर्ण किया है बहुत अच्छा लगा ये आज 3 तारीख है 3 तारीख का 3 अक्टूबर का ये प्रोग्राम है कल भी मैं आया था लेकिन ऐसा वीडियो शूटिंग नहीं बनाया था इसलिए आज मैंने बना दिया अगर ये बड़ा लंबा वीडियो हुआ तो 2 पार्ट में यूट्यूब पर अपलोड करूँगा या फिर 1 पार्ट में देखते हैं अभी कितना लंबा हुआ है कितना अच्छा लगता है सब लोग प्रसाद दे रहे हैं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है 360 डिग्री में मैं घूम गया अभी मैं लाइन में जाके खड़ा रहता हूँ और मैं श्री दुर्गा माता का दिया हुआ प्रसाद देता हूँ ओके जय दुर्गा माता जय श्री दुर्गा माता की जय मैं यहाँ पे जय श्री दुर्गा माता की जय मेरा ये यूट्यूब चैनल आप SSSC कीजिए सब्सक्राइब शेयर लाइक एंड कमेंट थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच थैंक यू